हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जिनके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है राजस्थान के भंगर फोर्ट का। कहानी ये है कि यहाँ का एक तांत्रिक राजा की नजर एक राजकुमारी पर पड़ी थी। उनके जादू से राजकुमारी को हासिल करने की कोशिश हुई, लेकिन वो तांत्रिक अपने जादू के साथ ही मर गया। अब से भंगर फोर्ट एक कर्स जगह बन गई, जहां सूरज ढलते ही लोगों को अजीब चीजें महसूस होती है। रात में यहां आना स्ट्रिक्टली मना है। आप यहां जाने का सोच रहे हो, बेटर थिंग्स अगेन। अगला है शनिवार वाड़ा फोर्ट पुणे का। इस जगह से हर पूर्णिमा की रात को एक बच्चे की चीखने की आवाज आती है। कहते हैं वो आवाज पेशवा बाजीराव के पोते की, जिसे उसके ही फैमिली मेंबर ने धोखा देकर मार दिया था। अब भी लोग रात को यहाँ से अगर आप वहाँ रात को गए तो क्या आप उसे बच्चे के लिए रुक पाओगे? उलधारा गांव राजस्थान का एक और हॉन्टेड प्लेस है, जहाँ आपको एक भी इंसान जिंदा नहीं मिलेगा। ये पूरा गाँव 200 साल पहले ही रात में लोगों ने छोड़ दिया था। लेजेंड का कहना है कि एक जमींदार ने गांव के लोगों पर अत्याचार किया था और उन्होंने इस जगह को हमेशा के लिए शापित कर दिया। तब से कोई भी यहां सेटल नहीं हो पाया। यहां की हवाएं भी आपको सुनाई देगी, जाओ यहां से आप सुन पाओगे। जतिंगा आसाम एक अजीब और मिस्ट्री जगह है। हर साल मानसून के टाइम हजारों चरइयों रात को अपनी जान दे देती है। कोई नहीं समझ पाया कि ये फिनोमिना क्यों होता है। मौत की मिस्ट्री आपको इस जगह से दूर रहने पर मजबूर कर देगी। अगर आप वहां गए तो आप ये सोच पाओगे ये भी सिर्फ एक कहानी है। आगरा सेंस की बावली। इस बावली के बारे में कहा जाता है कि ये रात के समय जीवित हो जाती है। बहुत लोगों ने महसूस किया है कि जब वो जा रहे होते हैं तो कोई उनके पीछे आ रहा है। यहाँ की खामोशी इतनी भयानक होती है जैसे रात को कोई आपको अपनी तरफ खींच रहा। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि यहाँ रात को आके सब महसूस कर सके? जो अगर ये आवाजें आपको सुनाई देने लगे अभी के अभी, क्या आपको भी ये वीडियो देखते वक्त कुछ अजीब महसूस हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।